हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रैप्स के बारे में, जो कि दोस्तों सैनिटरी पाइप फिटिंग के सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों वो चाहे सीवर पाइपलाइन हो या ड्रेनेज पाइपलाइन हो, दोस्तों वो कौन से ट्रैप्स हैं जो सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग किया जाता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रैप्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों सबसे नंबर वन पे आता है जो कि दोस्तों नहाने ट्रैप। दोस्तों बाथरूम का पानी ड्रेन होने के लिए और किचन का पानी ड्रेन होने के लिए, आंगन का पानी ड्रेन होने के लिए इस नहाने ट्रैप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है अपना पी ट्रैप का उपयोग दोस्तों कोमोड सीट को प्लस इंडियन सीट को लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इंडियन सीट पे ऑलरेडी हमें खुद से लगाना होता है और दोस्तों कोमोड सीट पे ऑलरेडी पहले से लगा होता है। दोस्तों तो दोस्तों पी ट्रैप दो प्रकार से आते थे। दोस्तों पहले आता था दोस्तों चीनी मिट्टी वाला, जो आप लोग देख रहे हैं, और दोस्तों अब आता है PVC में। दोस्तों कौन सा बेस्ट होता है? तो दोस्तों हमें PVC वाला अपना पी ट्रैप लगाना चाहिए दोस्तों। और जो दोस्तों ये अपना चीनी मिट्टी वाला जो आता था दोस्तों साइफन का, दोस्तों ये अपना CI पाइप फिटिंग करते समय, जब पहले दोस्तों CI पाइप फिटिंग होता था, जब हमें ये चीनी मिट्टी वाला दोस्तों इसको लगाना था पी ट्रैप को। अब दोस्तों इसको नहीं लगाया जाता, इसको लगाया जाता दोस्तों इसको PVC वाले को। तो दोस्तों हम सबसे ज़्यादा बेस्ट है PVC पी ट्रैप। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है दोस्तों वाटर ट्रैप, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों ये है वाटर ट्रैप। इसका उपयोग दोस्तों दो जगह पे किया जाता है दोस्तों। पहला तो दोस्तों ब्रश बेसिंग पे और दोस्तों दूसरा अपना किचन सिंक पे। दोस्तों इन्हीं दोनों जगह पे इस वाटर ट्रैप का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ट्रैप में दोस्तों पानी को यानी स्टोर करने के लिए और स्मेल ना आने के लिए जितने भी ट्रैप्स होते हैं इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों, पानी को स्टोर करने के लिए दोस्तों। और दोस्तों इससे स्मेल नहीं आती दोस्तों। ये अपना इस ट्रैप का उपयोग दोस्तों वॉश बेसिंग के प्लस सिंक पे किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों एस ट्रैप का उपयोग दोस्तों वॉल हैंगिंग कमोड को फिटिंग करने के लिए दोस्तों एस ट्रैप का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका सैनिटरी पाइप फिटिंग पे कई पाइपलाइन को मोड़ने के लिए और सही तरीके से फिटिंग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है गली ट्रैप का उपयोग दोस्तों घर के बाहर किया जाता है दोस्तों। घर के बाहर दोस्तों सभी जगह का पाइपलाइन जब दोस्तों इकट्ठा होकर दोस्तों खुले जगह पे, जहां बस दोस्तों आंगन वगैरह होता है या कि दोस्तों घर के बाहर जगह पर दोस्तों इस गली ट्रैप का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चाहे वो घर हो या कि दोस्तों हॉस्पिटल हो, कहीं भी दोस्तों इस गली ट्रैप का उपयोग दोस्तों घर के बाहर किया जाता है खुले जगह पे। जो आप लोग देख रहे हैं इस इमेज को दोस्तों, ये अपना गली ट्रैप है। छठवें नंबर पे आता है दोस्तों फ्लोर ट्रैप का उपयोग दोस्तों बाथरूम के डाउन स्लैब पर इसका उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों। ये अपना दोस्तों ऐसे जगहों पे किया जाता है दोस्तों, ऊपरी जगह पर, जहाँ पर दोस्तों आप लोग नहाने ट्रैप पर दोस्तों टुकड़ा लगा करके ऊपर तक कर देते हैं, बट इस पर नहीं दोस्तों। इसको दोस्तों क्लीनिंग करने के लिए दोस्तों बहुत सारे पाइप को अटैच किया जा सकता है इस पर दोस्तों, जैसे बेसिन का पाइपलाइन दोस्तों, ऐसी जगहों पर सिंक का पाइपलाइन इसी पर अटैच किया जा सकता है दोस्तों। बट इसको दोस्तों क्लीनिंग करने के लिए इस पर ढक्कन होता है, जो कि खोल करके किया जा सकता है दोस्तों। अगर हम इसको दोस्तों डाउन स्लैब पर लगाएंगे तो दोस्तों क्लीनिंग करने में बहुत ही दिक्कत होगा और हो भी नहीं पाएगा दोस्तों। इसको ऊपरी जगह पर लगाना चाहिए, जो कि दोस्तों फ्लोर ट्रैप बोला जाता है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे फ्लोर ट्रैप बोला जाता है दोस्तों। इस पे दोस्तों कई सारे पाइपलाइन एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों सातवें नंबर पे आता है अपना मास्टर ट्रैप, जो इमेज पे देख रहे हैं ये मास्टर ट्रैप दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। इसका उपयोग सीवर पाइपलाइन हो या ड्रेनेज पाइपलाइन दोनों पे किया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये दोस्तों बदबू को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इस पे एक क्लीनिंग पाइप भी होता है, प्लस दोस्तों एक आउटलेट और एक इनलेट। ये दोस्तों आउटलेट इनलेट इसका 6 इंच का होता है, और दोस्तों इसको एक साथ पाइप कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्लस दोस्तों इसको चैम्बर के बाद भी किया जाता है दोस्तों। कभी भी चैम्बर वगैरह पे भी बदबू नहीं आता इस ट्रैप को लगाने से, कभी भी किसी भी बाथरूम पे कहीं भी बदबू नहीं आता। इसको मास्टर ट्रैप बोला जाता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो यार, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब।